सैटरडे सैटरडे सैटरडे, आज शनिवार है और मेरा दिन होता है बहुत लेट स्टार्ट। अभी अभी स्टार्ट हुआ है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, वो भी ब्रेकफास्ट भी वो किया है जो जनरली बैचलर्स करते हैं, जिसका नाम होता है मैगी। राष्ट्रीय भोजन है हमारा। बस आगे अब मुझे एक दोस्त के घर जाना है और आगे की जर्नी, आगे का दिन दिखाता हूँ मैं आपको। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। बाय। तो आई एम रेडी, अब मैं जा रहा हूँ कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट के लिए ड्रेस बिल्कुल मैंने गेटअप जो लिया हुआ है कैंटोनमेंट वाला ही लिया हुआ है, और पीछे एक एक्स्ट्रा जैकेट पड़ी हुई है जो भी सेम कलर है, बिल्कुल आर्मी वाला। चलिए चलते हैं। मुझे बोला गया है कि ड्राइव करते हुए मैं ब्लॉग ना करूं, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ और फिर बाकी मैं बताऊँगा आपको वहाँ पहुँचने के बाद। राज बताता हूँ। यहाँ पे कहते हैं आंदो 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 आंदो, किसी को भी आंदो फिर वो हो जाता है आंदोलन। अभी अभी जोक आया, जोक था, सो डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट सीरियस, डोंट टेक इट पॉलिटिकली। चलो कहानी है, यही कहानी है दिए और तूफान की। मुझे अभी अभी ऐसे लगा जैसे मेरा बीपी लो हो रहा है, लेकिन अब मुझे पता चला कि मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने फैसला किया कि मैं आलू टिक्की खाऊंगा। भैया बहुत अच्छा आलू टिक्की बनाते हैं, यहाँ की बड़ी फेमस है। द्वारका एयरपोर्ट के पास, यहाँ पे मुझे एक काम था, एक दोस्त से मिलना है, तो मैं यहाँ इसलिए आया हुआ था। तो मैंने बताया था ना, जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे बीपी लो हो रहा है, लेकिन बीपी लो नहीं, मुझे लग रही थी भूख। मुझे तो पता भी नहीं चलता भूख है क्या। तो मैंने आज ये सीखा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पेट सही तो पता नहीं चलता कि बीपी लो हो रहा क्या हो रहा, पेट सही हो तो कुछ ना होता फिर। पता है आज मैंने ये सीखा, बीपी लो नहीं होता, भूख होती है। वो बीपी लो किसी का नहीं होता। मैं आपसे एडवाइस करूँगा कि किसी का अगर लग रहा है कि बीपी लो है, उससे बोलो एक बार खाना खा ले, भूख भी हो सकती है। होता क्या ना, कभी कभी मैं ज़्यादा तारीफ कर देता हूँ किसी की, लेकिन वो मैंने आलू टिक्की खाई थी, इतनी गंदी थी, मेरे हाथ अभी भी चिपक रहा है, और टेस्ट में भी बहुत गंदी थी, लेकिन भाई ने बनाया था इतने प्यार से, पैसे भी दिए थे मैंने उसे, लेकिन मज़ा नहीं आया भाई। कुल मिला के ऐसी टिक्की मैंने कभी नहीं खाई, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करना, हो सकता है मेरा टेस्ट ख़राब हो, कुछ भी हो सकता है। पर देखने में बहुत सुंदर सी टिक्की है, ऐसा नहीं है।